सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बासी रोटी का ब्रेकफास्ट कैसे किया जाता है। इतना टेस्टी होता है ना खाने में कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आपने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने रात की बासी रोटी ले ली है। अभी मैं क्या करूँगी, इनको काटूँगी। मतलब आप कैसे भी शेप में इनको काट सकते हैं, मैं कैंची की सहायता से इनको काटूँगी। अभी देखिए, अभी ऐसे ऐसे टुकड़ों में इनको मैं काट लूँगी। तो ऐसे में सारी रोटियों को काट लूंगी। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ अपनी काट ली हैं। तो अगला स्टेप हम करेंगे कि मैंने एक गैस पे एक पैन लिया है, पैन पे मैंने तेल डाल दिया है। अच्छे से इसको सब जगह लगा लेंगे ब्रश की सहायता से। हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे इस पे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी जो बासी रोटियों को हमने काट लिया था उनको एक एक करके इसमें अच्छे से सेक लेंगे। अब इनको अच्छे से सेकते रहेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसमें, एकदम गोल्डन गोल्डन कलर आ गया, गोल्डन ब्राउनिश टाइप का। तो ये ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। ऐसे ही मैं बाकी रोटियों को करूँगी। तो ये भी मेरी रोटियां सिक के तैयार हो गई हैं। तो देखा आपने बासी रोटियों से कितना अच्छा हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है। तो लीजिए भी, मेरा तो नाश्ता तैयार हो गया है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने कैसे बनाया। ओए होए, क्या ही बोलूँ मैं आपको, सच्चे में इतना यम्मी हो रहा है ना। चलिए ठीक है, मैं अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।